आध्यात्म के साथ साथ फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की एक और फिल्म एमएसजी द वॉरियर्स लॉयन हार्ट जल्द ही सिनेमा घरों में होगी। हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी बाबा की इस तीसरी फिल्म का ट्रेलर और पोस्टर सोमवार को लॉन्च किया गया। सिरसा के माही सिनेमा में सैकड़ों दर्शकों की मौजूदगी में बाबा राम रहीम और उनकी बेटी हनीप्रीत इंसा तथा फिल्म के डीओपी संतोष ठुंडियाल ने ट्रेलर व नया पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर बाबा ने फिल्म की कहानी के बारे में भी बताया। वैसे तो आपने शायद बहुत चेक किया होगा कि इसमें हम पूरा करेक्टर में है, किरदार में है, ना कि एज ए गुरु है। और ये एक ऐसा योद्धा की कहानी है जो आज भारत का टॉप सीक्रेट एजेंट है, पर पहले वो एक योद्धा था। योद्धा का नाम शेरदिल, और जो शुरुआत में आप देखते हैं चश्मा, वो तो वो एक हाईटेक मतलब टॉप सीक्रेट एजेंट है। तो ये एक ऐसी कहानी है जो बहनों की और धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए वो शेरदिल अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। इस मौके पर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने बताया कि यह फिल्म हिंदी के अलावा अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल व मलयालम भाषाओं में भारत सहित पूरे विश्व में रिलीज होगी। फिल्म में बाबा राम रहीम एक साथ तीन किरदारों में नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में उन्होंने डायरेक्शन, एक्टिंग सहित फिल्म का निर्माण भी खुद ही किया है। फिल्म में उनके साथ उनकी बेटी हनीप्रीत इंसा ने भी निर्देशन किया है। इसमें असल में ट्रिपल रोल है, आपने तीनों ही रोल ट्रेलर में देखे होंगे, तो उसमें हमारी आवाज भी अलग अलग है तीनों में। और यहाँ तक लॉन्चिंग का सवाल है, अभी इसमें तेलुगु है, मलयालम है और तमिल है, हिंदी है और इंग्लिश है, तो पूरे इंडिया में सब जगह और विदेशों में भी ये लॉन्च होगी।